हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सिटी में। तो BLW रेलवे अपेंडिसशिप के रिगार्डिंग आपका बहुत डाउट है, बहुत कमेंट आ रहा है कि सर इसका फाइनली मेरिट लिस्ट कब तक रेलवे पब्लिश करेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखना है ताकि हम BLW रेलवे अपेंडिसशिप का जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा उसको आसानी से फेस कर सकें, हम फाइनली हमें कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में। और कितना दिन का टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए दिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, और सबसे बड़ा बात यह है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी जो है वो कब तक मेरिट रिलीज करेगी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आज की वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको एक एक्सपेक्टेड डेट मैं बताऊंगा, उसी डेट के आसपास आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोटल अभी 2 से 3 डिवीज़न का आपका फॉर्म भरा रहा है। सबसे पहला बात करेंगे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर का आपका फॉर्म भरा रहा है, जिसका फाइनली रायपुर का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का जो मेरिट लिस्ट है, पहला मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है, वो भी वेटिंग लिस्ट के साथ। दूसरा में हम बात करेंगे तो वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म भरा रहा है, जिसमें टोटल 3612 पदों पर वैकेंसी देखी जा रही है। तीसरा में बात करेंगे तो आपका जिसमें आपका 5636 पोस्ट पर आपका फाइनली जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। अब हम चलते हैं BLW के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका इस बार का आया था भर्ती में, वहीं से हमको अंदाज़ा मिलेगा कि फाइनली आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक पब्लिक किया जाएगा रेलवे की ओर से। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी BLW रेलवे का अपेंडिसशिप का भर्ती आता है, हालांकि ये हर एक साल निकाली जाती है, वो भी हर बार 374 पोस्ट पर ही आपकी भर्ती निकाली जाती है के लिए, और नॉन ITI वालों के लिए 74 पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट का। तो मेरिट लिस्ट आने में आपका जो लास्ट डेट होता है उससे आपका 40 से 45 दिन का समय रेलवे लेती है और आपका मेरिट लिस्ट फाइनली पब्लिक कर दिया जाता है। तो बात करें इसका नोटिफिकेशन, आपको देखिए 26/3 के डेट में नोटिफिकेशन निकला था, 26/4 से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था और इसका अंतिम डेट भी 26/4 था। ठीक है, 26/4 इसका अंतिम डेट था। और बात करें कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट आपको 28/4 मतलब 28 अप्रैल रखा गया था। मान के चलिए आपका अप्रैल खत्म हो गया, तो मई से आप जोड़िएगा, तो मई से अगर आप मान लीजिए 45 दिन भी जोड़ते हैं तो मई पूरा आपका खत्म हो जाता है और जून में आपका 15 तारीख के आसपास आपको मेरिट देखने को मिलेगा। मैं एक्सपेक्टेड बताता हूँ कि 15 से 20 के बीच आपको मेरिट देखने को मिलेगा BLW रेलवे अपेंडिस का। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है और मैं आपको 100% बोल देता हूँ कि इसी के बीच आपको इसका मेरिट आएगा, ये 100% कन्फर्म है। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत लोग सोच रहे थे कि फाइनली इसका जो मेरिट है वो कब तक रेलवे रिलीज करेगा। और बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपको क्या क्या रेडी रखना है। तो सबसे पहले आपको 10th का अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, उसके बाद आपको ITI का सारा मार्कशीट से लेकर सर्टिफिकेट तक सारा रेडी रखना है। थर्ड में बात करें, अगर आप ST/SC/OBC हैं तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ को आपको रेडी रखना है, बैंक पासबुक को रेडी रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको वेरीफाई होगा वहाँ पे। मेडिकल का जो परफॉर्मा जो है BLW का या फिर रेलवे का, तो वो परफॉर्मा में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाकर रेडी रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे।